वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई समंता मोहतरमा की यशोदा मूवी को लेकर आया हूं। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी वन टाइम वॉचेबल जरूर है, और वो भी समंता मोहतरमा के लिए। लेकिन भाई साहब सच बताओ, मुझे ना कहानी प्रेडिक्टेबल लगी। एक घंटे तक मूवी नॉर्मल से चलने लगती है, मतलब वो कैरेक्टर का डेवलपमेंट, स्टोरी डेवलपमेंट, इसी में एक घंटा निकल जाता है। उसके बाद क्या होने वाला है, किस वजह से हो रहा है, इट्स ए प्रेडिक्टेबल थिंग। डायरेक्टर्स ने सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इससे एवरेज मूवी। पहले तो इस मूवी को साइमल्टेनियसली तेलुगु और तमिल में फिल्मिंग करने का सोचा था, लेकिन टाइम बचाने के लिए इन्होंने पहले तेलुगु में फिल्मिंग किया, बाकी लैंग्वेज में डब करके छोड़ा। मूवी के सेकेंड हाफ में एक्शन सीन्स जबरदस्त देखने को मिलते हैं। उसी से हमको पता चल जाता है कि यशोदा कौन है और उसका मिशन क्या है। तो चलिए फटाफट से आपको इन शॉर्ट में गाने सुना देता हूँ, उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही ओलिविया नाम की एक हॉलीवुड एक्ट्रेस को दिखाया जाता है, जो प्राइवेटली अपने तालाब में स्विमिंग करती रहती है। तभी कुछ लोग इसके ड्रिंक में एलएसडी नाम का एक ड्रग्स मिला देते हैं। ये ड्रिंक पीने के बाद ये एक्ट्रेस तड़प तड़प के मर जाती है। पुलिस वाले इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक करने पर यह बात पता चलती है कि ओलिविया के अंदर दो ड्रग्स पाए गए, एक है एलएसडी, दूसरा हमको अभी तक नहीं पता चला। इन दोनों ड्रग्स के मिक्सचर की वजह से ही ओलिविया की मौत हो गई। हम भी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। खैर, दूसरे सीन में हमारे हीरोइन यशोदा को दिखाया जाता है, जो फिलहाल हॉस्पिटल आती है। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि अब यशोदा को 3 महीना चल रहा है, और इसी तरह यशोदा पैसों के लिए सरोगसी बनी। इसका बच्चा किसी मिलीनियर्स के घर जाएगा। डॉक्टर यशोदा से कहने लगती है कि वो कंपनी वाले तुमको यहाँ से ले जाएंगे, तुमको आधे पैसे देकर रेडी रहना। एक्चुअली यशोदा की एक छोटी बहन होती है। इसकी छोटी बहन को कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है, ऑपरेशन के लिए इसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए यशोदा सुरोगसी बनने का सोच लिया। नॉर्मल से यशोदा छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। खैर, उसके बाद कुछ लोग यशोदा के पास आकर यशोदा को कुछ पैसे देकर इसको बेहोशी की दवा देकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। खैर, दूसरे सीन में एक रात एक मॉडल अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर जा रही होती है, तभी इन दोनों को एक्सीडेंट होकर उसी कार में इन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन टीवी न्यूज चैनल्स वाले उस मॉडल के बारे में न्यूज दिखाने के बजाय उसके बॉयफ्रेंड, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके बारे में न्यूज दिखाने लगते हैं। क्या सच में शिव रेड्डी का एक्सीडेंट हुआ था, या तो फिर ये कोई मर्डर किया होगा, तो किसने किया होगा, क्या वजह हो सकती है। दूसरी तरफ जब यशोदा अपनी आँखें खोलती है तो एक बहुत ही अजीब की प्लेस में होती है। हर जगह पर एवा नाम के इस कंपनी का नाम लिखा होता है। तभी यशोदा के कमरे में मधु नाम की एक बंदी आती है। यशोदा को यहाँ पर रहने सहने का रूल्स वगैरह बताती है। जब यशोदा इस बच्चे को जन्म देगी, इसको पूरे पैसे मिल जाएंगे, ये अपने घर जा सकती है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर ऋषि को शिव का ऑटोप्सी रिपोर्ट देते हुए कहने लगता है कि शिव की मौत दम घुटने की वजह से हुई। ऋषि पूछने लगता है कि उसकी मौत तो ब्लास्ट की वजह से हुई थी ना। डॉक्टर कहने लगता है कि कार में ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन कार में के एयर बैग्स ना काम करने की वजह से शिव की मौत हो गई थी। सिंबल से बात करें तो इट्स ए मैन्युफैक्चर डिफेक्ट। ऋषि यही बात कमिश्नर को आगे बताता है। कमिश्नर कहने लगता है तो फिर लेट किस बात की, केस क्लोज कर दो ना मीडिया को बुलाकर। ऋषि कहने लगता है नहीं सर, ये केस मुझे इतना सिंपल नजर नहीं आ रहा, मुझे और थोड़ी मोहलत दीजिए, शिव मरने का कारण मैं पता करके रहूंगा। इस केस में हमको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, मेरे नजरिए में वासुदेव सर है, वही जो पुलिस ट्रेनिंग देते हैं। तो कमिश्नर ऋषि को ये परमिशन दे देता है इस केस को डीपली एग्जामिन करने के लिए। इस तरफ सुधा नाम के एक वार्डन यशोदा को स्कैनिंग के लिए ले जाने लगती है। ये बंदी भी यशोदा को काफी सारे रूल्स बताने लगती है। स्कैनिंग रूम में गौतम नाम का एक डॉक्टर होता है, जो हर एक सरोगेसी की स्कैनिंग करते रहता है, हर एक सरोगेसी की टेकिंग केयर करते रहता है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, यशोदा गौतम को लाइक करने लगती है, और उसी तरह गौतम भी। उसके बाद जब यशोदा लंच करने के लिए आती है, वहाँ पर काफी सारे और लड़कियाँ मौजूद होते हैं। किसी का 6वां महीना चल रहा होता है, किसी का 5वां, किसी का 4वां। इस गैंग की लीडर होती है तेजू नाम की एक लड़की, वही जो राइट साइड में है। लेफ्ट वाली बंदी का नाम है लीला, और जिसके शॉर्ट हेयर है उसका नाम है जिन्नी। तेजू यशोदा से कहने लगती है, अगर तुमको हमारे साथ खाना खाना होगा तो मुझे जोन 2 में जाकर सिगरेट पैकेट ले आओ। एक्चुअली जोन 2 एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। जब यशोदा जोन 2 में जाने ही वाली होती है, गौतम इसके सामने आता है, इसको वहाँ पर जाने नहीं देता। दूसरी तरफ वासुदेव ऋषि और कमिश्नर को शिव की मौत कैसे हुई वो एक्सप्लेन करने लगता है। सो पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर शिव को मारा। इसी बातों ही बातों में वासुदेव ये भी कहने लगता है कि शायद वो मर्डर उस मॉडल आरुषि को मारने के लिए भी किया जा सकता था, क्योंकि अगर मर्डरर्स शिव रेड्डी को मारना चाहते थे तो वो कुछ दिनों पहले अकेला ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद ऋषि की टीम आरुषि के घर जाकर आरुषि की साइट से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। उसके लैपटॉप में चेक करने पर इसमें एक बंदे की वीडियो होती है। कैजुअली ये बंदा हमेशा आरुषि को बता रहा था कि कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कौन से नहीं। सो रिसेंटली आरुषि के पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन आया था,
तो ये बंदा आरुषि को मना करने के लिए कहता है क्योंकि उस ब्यूटी प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज किया वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। सो ऋषि और वासुदेव उस ब्यूटी कंपनी के पास जाते हैं। इस बंदे का फादर और कोई नहीं सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर होता है। इस तरफ वार्डन सुधा का टैबलेट कोई चुरा लेता है। बेचारी परेशान सी रहती है। सो बाद में पता चलता है कि सुधा का टैबलेट यशोदा ने ही चुराया था सुधा को थोड़ा सबक सिखाने के लिए, क्योंकि सुधा हर एक बंदे पर अपना रोब जमाती रहती है। इस तरह पुलिस वाले उस बंदे के घर जाते हैं जिसने आरुषि को इन्फॉर्म किया था उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो बंदा तो मरा पड़ा होता है। घर की तलाशी लेने पर फ्रीजर में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। सो ऋषि इस केमिकल को अपने फ्रेंड के पास भेजता है इस केमिकल को टेस्ट करने के लिए। यह बंदा ऋषि को कॉल करके कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले हॉलीवुड हीरोइन ओलिविया का मर्डर हुआ था ना, उसकी बॉडी में भी एक मिस्टीरियस केमिकल को पाया गया और तुमने मुझे जो सैंपल दिया इस केस में भी सेम इसी तरह का है। इस केमिकल को और थोड़ा डीपली एग्जामिन करके मैं तुमको रिपोर्ट भेजता हूँ। लेकिन एक अनजान बंदा ऋषि के फ्रेंड को मार देता है। इस तरह हर एक लड़की अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं कि किस वजह से ये लड़कियाँ सरोगसी बनने का डिसाइड किया। लेकिन जनी नाम की एक बीएसडी लड़की इसलिए सरोगसी बनी क्योंकि इसको आईफोन खरीदना है। लो भैलो, अब किडनी बेचने का सिलसिला खत्म हो गया। खैर उसी तरह देखते ही देखते गौतम कुछ एक्स्ट्रा ही यशोदा की केयरिंग करते रहता है। इसी दरमियान में काजल नाम की एक लड़की को पेन आने पर काजल को एक सीक्रेट रूम में ले जाने लगते हैं, जिसमें सिर्फ डॉक्टर ही जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद मधु बाकी लड़कियों के पास आकर कहने लगती है कि दो दिन पहले ही काजल के पेट में जो बच्चा था ना वो मर चुका था, इसलिए कोई भी हरकत नहीं थी उसके पेट में। हमने काजल के बच्चे को निकालकर काजल को उसके घर भेज दिया। इस तरफ ऋषि और उसकी टीम गिरिधर के बेटे सोनू पर नजर रखते रहते हैं, लेकिन तभी इन लोगों पर अटैक होने लगता है। इस फायरिंग के दौरान ऋषि के एक टीममेट अनवर की मौत हो जाती है और उसी तरह दूसरी तरफ उस कमिश्नर पर भी अटैक होता है। इस तरफ यशोदा को शक होने लगता है कि काजल अपने घर चली गई और वो भी हमसे बिना मिले। इसी के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हुए यशोदा बेचारी बेहोश हो जाती है। यशोदा को फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इस तरफ हॉस्पिटल में वो कमिश्नर ऋषि और वासुदेव को बुलाकर ये कहने लगता है कि मरे हुए हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया जब जब हमारी इंडिया आया करती थी, बस तीन दिन रहकर वापस चली जाती। और उसी तरह सीबीआई की रिपोर्ट से ये बात भी पता चली कि ओलिविया की तरह हर एक कंट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारी इंडिया आया करते थे और दोबारा एक इटालियन लड़की हैदराबाद आने वाली है। अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये सारी लड़कियां इन तीन दिनों तक कहां पर रहती है, क्या करती है। इस तरफ यशोदा होश में आकर चोरी चुपके दूसरे जोन में जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर गौतम आने पर यशोदा बेहोश होने का नाटक करती है। दूसरी तरफ ऋषि और उसकी टीम उस इटालियन लड़की को फॉलो करने लगते है। एक बंदा आकर उस लड़की को पिकअप कर ले जाता है। इस तरफ हर रोज यशोदा अपने कमरे के खिड़की के बाहर एक कबूतर को देखती रहती है। सो एक दिन सोच लेती है कि इस कबूतर को पकड़ेगी, मतलब अपने कमरे के खिड़की के बाहर झांकेगी। सो पता चलता है कि वो एक बड़ी वाली स्क्रीन होती है, मतलब इस कंपनी ने इन सारे लड़कियों को ऐसे धोखे में रखा कि ये लड़कियां कोई बड़ी वाली अपार्टमेंट में मौजूद है, हालांकि ये सारी लड़कियां एक बंद कमरे में होती है। तभी लीला को पेन आने पर लीला को भी ऑपरेशन के लिए ले जाने लगते हैं। तभी हमको ये बात पता चलती है कि यशोदा ने जब गौतम के ऊपर बेहोश हुई थी गौतम का आईडी कार्ड चुरा लिया। चोरी चुपके उस ऑपरेशन थिएटर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेनी वहां पर आकर यशोदा को रोकने लगती है। यशोदा से कहने लगती है कि उस कमरे के अंदर जाना इतना आसान नहीं है यशोदा, वो कमरा बहुत ही डार्क होता है, नाइट विजन्स पहनना होता है। यशोदा पूछने लगती है कि ये सब कुछ तुमको कैसे पता। जेनी कहने लगती है क्योंकि मैं उन्हीं लोगों की बंदी हूँ, मतलब जेनी कुछ प्रेग्नेंट वगैरह नहीं होती, ऐसे लड़कियों पर नजर रखने के लिए ही जेनी यहाँ पर मौजूद होती है। उसके बाद जेनी और यशोदा के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन फाइनली यशोदा जेनी को मार देती है। थोड़ी ही देर में ये बात मधु को पता चलती है कि जेनी को किसी ने मार दिया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर ये बात पता चलती है कि यशोदा उस रूम में गई थी। इस तरफ यशोदा एक और सीक्रेट कमरे में जाती है। उस कमरे में काफी सारी लड़कियों की लाशें होती है जो इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा होता है। इन्हीं लाशों में से यशोदा काजल और लीला की भी लाश को देखती है। दूसरी तरफ ऋषि और उसकी टीम के हाथों से वो इटालियन लड़की मिस हो जाती है। कुछ गुंडे आकर इन सारे पुलिस वालों को एक खुफिया जगह में ले जाने लगते हैं। इस तरफ जब यशोदा एक और कमरे में जाती है तो उस कमरे में काफी सारे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, मतलब बच्चा जन्म होने से पहले इन बच्चों को निकाल दिया गया और इन सारे बच्चों को भी प्रिजर्व करके रखा होता है। तभी वहाँ का गार्ड आकर यशोदा को पकड़ के बांध देता है, यशोदा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइनली यशोदा इस गार्ड को भी मार देती है। उसके बाद यशोदा मधु के गले पर चाकू रखकर सच बताने के लिए कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
तभी गौतम वहाँ पर आता है, यशोदा से कहने लगता है कि यशोदा तुम मधु को मार दो, यहाँ पर बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए यशोदा को अपने बातों की जाल में फंसाकर यशोदा को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद ये दोनों यशोदा को एक चेयर से बांधकर यहाँ पर जो हो रहा है और क्यों हो रहा है ये सारी बात यशोदा को बताने लगते हैं। एक्चुअली कुछ सालों पहले गिरिधर किसी कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट की तरह आया था। उस वक्त उस कॉलेज में ब्यूटी कॉम्पिटिशन चल रहा था। स्पीच के दौरान गिरिधर बताने लगता है कि खूबसूरती का मतलब है दिल की खूबसूरती, लेकिन उसी कॉलेज में मधु होती है। गिरिधर को मुंह तोड़ जवाब देने लगती है, मतलब मधु खूबसूरती को ही बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देती रहती है। अगर लड़की लड़के के पास खूबसूरती होगी तभी कुछ हो सकता है। अब उसी कॉलेज में गौतम भी मौजूद होता है, मधु से बहुत प्यार करते रहता है। स्पीच होने के बाद उसको प्रपोज करता है, लेकिन मधु इसको ठुकरा देती है। और एक्चुअली गौतम एक बहुत बड़ा जीनियस बंदा होता है। उसी वक्त गिरिधर मधु को एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी बातों से बहुत आकर्षित हो गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सो मधु गिरिधर की पैसों को देखकर इसके साथ शादी कर लेती है। फर्स्ट नाइट के दिन गिरिधर से कहने लगती है अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी ब्यूटी बिगड़ जाएगी, लेकिन इत्तेफाक से मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं मधु की खूबसूरती बिगड़ने लगती है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं और उसी तरह मधु अबॉर्शन भी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मधु सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन बच जाती है। गिरिधर मधु की खूबसूरती को देखकर इसको छोड़ ही देता है। तभी गौतम मधु के पास आकर कहने लगता है कि मधु मैं तुमको दोबारा खूबसूरत बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। तो मधु इसके लिए मान जाती है। उसके बाद गौतम मधु को अपने लैब ले आकर इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। फाइनली इसका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है, मधु दोबारा पहले जैसी और खूबसूरत बन जाती है। लेकिन ये साली बेवड़ी गौतम को धोखा दे देती है, गिरिधर को बुलाकर इसकी पिटाई करने लगती है। गौतम उन सारे आदमियों को मार के मधु और गिरिधर से कहने लगता है कि ये तुम्हारी खूबसूरती लाइफ लॉन्ग नहीं है, हर एक 6 महीने के बाद बूस्टर डोज देना पड़ता है और वो सीरम सिर्फ मेरे पास ही है, मैं ही बना सकता हूँ। मधु मैं तुमको पाने के लिए यही सीरम बनाया, अगर यही सीरम मैं मार्केट में बेचता तो मेरे ऊपर पैसों की बारिश होती, लेकिन मैंने तुमको चुना, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। गौतम की बात सुनने के बाद गिरिधर एक प्लान बनाता है। देखो गौतम, तुमको मधु चाहिए ले लो, और मुझे पैसा चाहिए, तुम उस ब्यूटी सीरम को बनाते हुए मुझे दे दो, मैं उससे पैसे हासिल करूंगा। इस तरह से हम तीनों खुश रह सकते हैं ना। इस तरह से ये तीनों हाथ मिलाकर ये काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मधु दूसरे कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देने लगती है। तो यहाँ पर हमको कुछ बातें पता चलती है कि काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके प्रोडक्ट को यूज किया था, जैसे मरी हुई हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया और भी बहुत सारे। लेकिन इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए दूसरी ड्रग नहीं लेना चाहिए, इसीलिए ओलिविया की मौत हो गई थी। और इसी तरह मधु की कंपनी नवजात शिशु के अंदर पाए जाने वाले एक प्लाज्मा को लेकर ये ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके लिए इन्होंने काफी सारी गर्भवती लड़कियों को अपने पास रखा, सारे लड़कियों के फीटस को ये लोग स्टोर करके रखा, जब जरूरत पड़ेगी उस प्लाज्मा को निकाल लेते हैं। और इसी तरह मरी हुई आरुषि थिना मॉडल, वो इनके प्रोडक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसीलिए मधु उसकी टीम ने आरुषि को मार दिया। इस तरह से हमने अपने रास्ते पर जो जो रुकावटें आई उन सारे रुकावटों को क्लीन कर दिया। खैर इसी मीटिंग के दौरान यशोदा वहाँ से बचने की कोशिश करती है। इस तरफ ऋषि और उसकी टीम को ये बात पता चलती है कि इस कांड के पीछे उस कमिश्नर का भी हाथ है। ये कमिश्नर इनके साथ रहते हुए मधु की टीम को इन्फॉर्मेशन दिया करता था, इसीलिए मधु और वो सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर अपने रास्ते से सारे लोगों को हटाने लगे। इस तरफ यशोदा गन हासिल करके गौतम के ऊपर पॉइंट आउट करती है। अब उसी वक्त ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस में चल रहा होता है, ये बात कमिश्नर को पता चलती है। और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली यशोदा एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है। यशोदा अपनी ट्रेनिंग खत्म करके ड्यूटी पर जान होने के लिए गई थी। इंटरव्यू के दौरान वो पुलिस वाला यशोदा को अपने साथ सोने के लिए कहता है, या तो फिर बहुत सारे पैसे चाहिए। तो जब ये बात यशोदा की बहन को पता चलती है, यशोदा की बहन सोच लेती है कि बहुत सारे पैसे जमा करेगी। डीपली इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चली कि यशोदा की बहन सरोगसी बनने का डिसाइड किया था और यशोदा की बहन को दूसरी जगह पर ले गए। तो यशोदा डिसाइड करती है कि यह खुद सरोगसी बनकर उनका पर्दाफाश करने के लिए वहाँ पर जाएगी, अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी। इस तरह से जिस दिन से यशोदा यहाँ पर आई, यशोदा हर एक चीज को ऑब्जर्व करने लगी। इसी दरमियान में यशोदा के पास काफी सारे गार्ड्स आते हैं, जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ वासुदेव की टीम मौका देखकर उस कमिश्नर को मार देते हैं। इस तरह फाइनली यशोदा सारे लोगों से फाइट करके बाकी लड़कियों को वहाँ से बाहर निकालने लगती है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात पता चलती है
कि मधु को जब 5वां महीना चल रहा था, गौतम ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मधु का फीटस मांगा था। सो मधु बिना हिचकिचाए अपने बच्चे को गौतम को दे दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी खूबसूरती हासिल करने के लिए। ये सब कुछ जानकर वो सारे लड़कियां मधु को खाई में गिराकर मार देते हैं। उसी जगह पर किसी कमरे में यशोदा की छोटी बहन भी होती है प्रेग्नेंट। सारे लड़कियां यशोदा की बहन की डिलीवरी करते हैं। फाइनली उस मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।